हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे जो कि येलो इफेक्ट के साथ, और वो भी एक ही 1 से 2 मिनट के अंदर में। तो आप ये देख सकते हो कितना प्यारा फ़ोटो लग रहा है अपना, और आप पहले का भी फ़ोटो देख सकते हो। और ये अपना पहले का फ़ोटो जो कि एडिट करा हुआ नहीं है, और ये इतना खास भी नहीं लग रहा है। तो अपन इसको एडिट करके इसको अपन ऐसा एडिट करेंगे। तो प्लीज़ आप भी इतना ही प्यारा फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं आगे की ओर। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वो फ़ोटो को आप लाइटरूम में ऐड कर लेना। तो अपन चलते हैं लाइटरूम में। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वो फ़ोटो आप लाइटरूम में ऐड कर लेना। तो मैं पहले ही लाइटरूम में ऐड कर रखा हूँ, तो आप भी प्लीज़ कर लेना ऐड। और ऐड करने के बाद उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो अपन ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अपना फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका जो कि ये वाला अपन एडिट करने वाले हैं। तो आप भी इसको सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद अपन इसको कर देंगे एडिट पे क्लिक करके इसको कर देंगे अपन ऑटो, जिससे अपना बैकग्राउंड का कलर हो या फेस का कलर हो अब एडजस्ट हो जाता है अपने आप ही। इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आगे जाकर कोई मतलब एडिट करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा, और अपने आप ही कलर एडजस्ट हो जाएगा आगे बढ़ जाकर। तो इसी तरह अपन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वाला है इसको अपन फुल कर देंगे। ये फुल करने से क्या है कि और भी ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, और अगर इसको माइनस में करोगे तो या फिर फीका हो जाएगा। तो इसको अपन इसको पूरा फुल प्लस में करना है। तो आप अपने फ़ोटो के अनुसार जितना आपको अच्छा लगे उतना कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो सिर्फ एक ही स्पीड एक ही स्टेप में कितना प्यारा फ़ोटो एडिट हो गया अपना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इसको अपने फ़ोटो के अनुसार इसको अपन प्लस में कर देंगे, और ये सेकंड वाले को हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा। तो आप वो अपने फ़ोटो के हिसाब से आपको जितना अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। और इसी तरह अपन आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको जो कि फर्स्ट वाले रेड वाले पे है उसके सेकंड को माइनस में कर देंगे अपन, और इसको कर देंगे अपन प्लस में। वो आप अपने फ़ोटो के अनुसार आप कर लेना। और ये इसी तरह अपन सेकेंड वाले पर आ जाएंगे। सेकेंड वाले पर आने के बाद इसको अपन माइनस में कर देंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, उसको प्लस में कर देंगे। तो इसी तरह अपन अपने फेस के हिसाब से अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको ज़्यादा भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। तो इसको नॉर्मल रख लेंगे अपन इतना, और आप अपने फ़ोटो के हिसाब से देख लेना कि आपके फ़ोटो पे कितना अच्छा लग रहा है और कितना बेकार लग रहा है। तो आप अपने फ़ोटो के अनुसार वो कर लेना। और उसके बाद अपन आ जाएंगे ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाले पे आने के बाद इसको माइनस में कर देंगे अपन, या आपको जैसा अच्छा लगा आप इसको प्लस में भी कर सकते हो, पर इसको हम माइनस में रहने देंगे। फुल हल्का सा माइनस में करेंगे, और सेकेंड वाले को फुल प्लस में कर देंगे। फुल प्लस में करने के बाद अपन को जो थर्ड नंबर वाला है ये बैकग्राउंड पे लाइट देने के लिए होता है, जो कि इसको अपन इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं भी, पर आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करना क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको फुल कर देंगे या फिर थोड़ा सा नॉर्मल रख लेंगे हिसाब से। और इसी के बाद अपन येल्लो वाले टूल पर आ जाएंगे, और इसको भी हल्का सा पूरा माइनस में कर देंगे। इसको प्लस में भी कर सकते हो पर मज़ा नहीं आएगा, इसको माइनस में ही रहने देना। और इसको कर देना फुल सेकेंड वाले को, और थर्ड वाले को भी फुल कर देना, या फिर आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको रख लेना, क्योंकि ये लाइट में बहुत अच्छा होता है लाइट के लिए। इसको प्लस में, इसको प्लस में। और इसके बाद अपन आ जाएंगे शर्ट पे कलर चेंज करने के लिए। तो इसके लिए अपन नीले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको प्लस में कर देंगे, माइनस में भी कर सकते हैं, इसको प्लस में भी कर सकते हैं। तो अपन इसको माइनस में रख देते हैं, और इसको फुल प्लस में कर देते हैं, और इसके ऊपर फुल प्लस में कर देते हैं, जिससे अपने शर्ट पर लाइट आ जाए। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ये फ़ोटो। ये अपना पहले का है, और ये एडिट करने का बाद का है। और इसी तरह आ जाएंगे अपन इस वाले आसमानी वाले पे। इसको आगे पीछे करके अपना कलर एडजस्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप भी अपने फ़ोटो के अनुसार इसको कलर एडजस्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ से अपन कर देते हैं डन। डन करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता मैं एडिट। तो ये हो चुका अपना फ़ोटो एडिट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप ये देख सकते हो ये अपना पहले वाला फ़ोटो है, एडिट करा हुआ नहीं था, और ये अपना एडिट करने के बाद का फ़ोटो। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसको अपन कर लेते हैं गैलरी में सेव। सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव फोटो के डिवाइस पर अपन कर देंगे क्लिक, यहाँ से कर देंगे ओके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।